अंधा पति, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद वे खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस आदमी ने पत्नी की सुंदरता की प्रशंसा करता और उससे बहुत प्यार किया। लेकिन कुछ महीनों के बाद पत्नी को पता चला कि वह एक चर्म रोग से पीड़ित है और इस वजह से धीरे-धीरे वह अपनी सुंदरता खो देगी। यह जानकर पत्नी मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं बदसूरत हो गई तो क्या होगा, मेरा पति मुझसे नफरत करने लगेगा, मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसी बीच एक दिन उसके पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी थी। इन सबके बावजूद उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहा। समय बीतता गया और पत्नी चर्म रोग के कारण अपना सौंदर्य पूरी तरह खो बैठी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन उसका अंधा पति यह नहीं देख सका, इसलिए इसका असर उनके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ा। वह हमेशा की तरह उससे प्यार करता रहा। एक दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। अब पति उदास और अकेला था। उसने उस शहर को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की। दूसरे दिन जब वह जाने ही वाला था कि उसके पड़ोसी ने उसे देखकर उसके पास जाकर कहा, तू अपनी पत्नी के बिना कैसे रह सकेगा? आप देख नहीं सकते हैं और आपकी पत्नी हमेशा आपकी सहायता करने और कई वर्षों तक आपकी सहायता करने के लिए मौजूद थी। यह तुम्हारे लिए कठिन होगा, पति ने उत्तर दिया, मित्र मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि जब मेरी पत्नी को अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि वह इससे परेशान और डरी हुई थी। अगर मेरी पत्नी को पता होता कि मैं उसकी कुरूपता देख सकता हूँ तो उसे उसकी बीमारी से ज्यादा दुख होता। वह बहुत अच्छी पत्नी थी और मैं बस उसे खुश रखना चाहता था, इसलिए इतने सालों तक मैंने अंधे होने का नाटक किया। मेरी आवाज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए कभी कभी हमें एक दूसरे की कमियों से आंखें मूंद लेनी चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल सुविचारों के लिए हमारी चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।